कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ बदल दिया है। लोगों की आदतें बदल दी है, उनका रहन सहन बदल दिया है, और अगर बॉलीवुड की बात करें तो फिल्मों के रिलीज होने का प्लेटफॉर्म बदल गया है। जी हाँ, पहले जहाँ फिल्में 70 mm के पर्दे पर लगती थी, लोग महंगे महंगे टिकट और पॉपकॉर्न खरीद कर थिएटर में फिल्में देखने जाते थे, आज वही फिल्में लॉकडाउन की वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े बैनर की फिल्में अब अमेज़न प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है। हाल ही में सुजीत सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना है, यह फिल्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई। और अब अक्षय कुमार ने अपनी मच अवेटेड फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को डिज्नी हॉटस्टार VIP पर रिलीज करने की घोषणा की है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। लक्ष्मी बॉम्ब तमिल फिल्म की रीमेक है। सिर्फ लक्ष्मी बॉम्ब ही नहीं, महेश भट्ट निर्देशित सरक 2, जिसमें मुख्य भूमिका में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ रॉय कपूर और संजय दत्त है, इस फिल्म ने भी डिज्नी हॉटस्टार की ओर अपना रुख कर लिया है। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल, ये दोनों फिल्में भी डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। अगर देखा जाए तो हर बड़ी फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। डिज्नी हॉटस्टार कलाकारों की पहली पसंद बन चुकी है। वहीं कार्निवल सिनेमा स्कोप के CEO मोहन उमरोतकर ने एक ओपन लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि जहां सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, वहां थिएटर्स भी जल्द खुलेंगे, इसलिए फिल्म मेकर्स को थोड़ा और सब्र रखना चाहिए और फिल्मों को थिएटर में ही रिलीज करना चाहिए। यहां आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा, जिसके निर्देशक है मुकेश छाबरा, यह फिल्म 26 जुलाई से डिज्नी हॉटस्टार पर सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी। हालांकि सुशांत के फैंस की मांग थी कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाए, क्योंकि इसके बाद वो कभी भी अपने हीरो सुशांत को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। पर अब ये फिल्म के मेकर्स ही जाने कि इस फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। इन सभी फिल्मों का दर्शकों को सालों से इंतजार था, पर इनका थिएटर की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना दर्शकों को निराश करता है। आशा है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और फिल्में अपनी सही जगह यानी कि थिएटर में रिलीज होनी शुरू हो जाए, क्योंकि जो मजा अपने पसंदीदा कलाकार को बड़े पर्दे पर पॉपकॉर्न के मजे लेते हुए देखने में है, वो मजा मोबाइल या लैपटॉप के छोटे से स्क्रीन पर कहाँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।